रशीदी साहब, मैं आपसे ही शुरू करता हूं, क्योंकि पहले के भी एक दो बयान आपके सनद में है। सवाल यह है कि 15 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा एक बार फिर से सुर लेकर बैठ गए इस देश के बड़े सो कॉल्ड मुस्लिम संगठन कि भाई ये तो कानूनी जुल्म था, ये फैसला हम नहीं मान रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और वहीं पलट कर ये भी कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सम्मान है। देखिए, दो अल्फाजों को अपने सही कर लीजिए, मैं आपको बार बार टोकता हुआ आ रहा हूँ। एक तो मौलानाओं के साथ कट्टरपंथ मत लगाइए, दूसरे ये जो जमातें हैं जिन्होंने आज़ादी में बहुत अहम किरदार अदा किया है, इनके साथ सो कॉल्ड मत लगाइए आप। आपको इनकी हिस्ट्री का पता नहीं है शायद। ये वो जमातें हैं जिन्होंने जंगे आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है, मुसलमानों की नुमाइंदा जमातें हैं। आप इनको सो कॉल्ड कहकर तो आप राम की हिस्ट्री को कैसे भुला देते हैं? शुक्र हो ना, आपका नंबर नहीं भाई, आपको क्लियर कर देता हूं, नंबर नहीं है। मौलाना हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को चौड़ा करेगा उससे मैं सो कॉल्ड मौलाना ही कहूंगा। और इस देश का कोई भी संगठन जो कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट को मानते भी हैं, उसके बाद कहेगा कि भाई सवाल भी उठाते हैं, तो मैं उसको सो कॉल्ड संगठन ही कहूंगा। ये बात बिल्कुल क्लियर समझिए, ये मेरी ये बात सभी मौलानाओं पर लागू नहीं होती है, ना सिर्फ सभी संगठनों पर लागू होती है। मेरी भी क्लियर सुनिए, आप क्या हैं? मूंग मसूर की दाल, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, हु आर यू? कहिए आप सो कॉल्ड, आपके कहने से थोड़े बन जाएंगे। नहीं तो आप कौन है? आप जैसे सैकड़ों साहब बोलने का तरीका सही है, आप जैसे सैकड़ों हैं, मैं आपको इन शब्दों से नवाजू क्या कि आप कौन है? मैं भी आपकी क्या है? अगर आप सो कॉल्ड बोलेंगे तो यही शब्द बोलूंगा। कौन क्या है? अगर सो कॉल्ड बोलेंगे तो यही शब्द बोलूंगा। अगर सो कॉल्ड और कट्टरपंथी बोलोगे मौलानाओं को तो यही बोलूंगा, तो मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा मूंग मसूर की दाल। जो कोई भी हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई चौड़ी करेगा, मसूर की दाल मैं भी बोलूंगा। बोलते रहिए, आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, अगर आपकी यही तमीज है, यही तौर तरीका सिखाया जाता है आपको और यही सीखकर आपको बड़े हुए, तो आपको लानत है साजिद रशीदी। लानत तुम्हारे ऊपर हजार बार लानत, एक करोड़ बार लानत, जो ऐसी जमातों को जिन्होंने जंगे आजादी में किरदार अदा किया है, जिनके हजारों हजार उलमा, 60,000 उलमा इकराम ने कुर्बानियां दी हैं। आप जाके देखिए इंडिया गेट पे, अगर आप पढ़ना जानते हैं, 37,000 मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। तो उन पर सवाल उठा रहे हैं क्या? सोकोल्ड, आप जिन्होंने सोकोल्ड देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी उनको सवाल उठा रहे हैं क्या? यही वो जमाते हैं कुर्बानी दी उनको सैल्यूट है। यही वो जमाते हैं जिन्होंने उनको शहीद होने के लिए आगे किया, बिना हिंदू मुस्लिम देखे हुए सैल्यूट है जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। अरे मेरे, लेकिन जो सवाल उठाएंगे उनको नहीं सलामी है। सुनो ये बात आप समझिए, तुम पैदा नहीं हुए थे उस वक्त। यही वो जमाते हैं जिन्होंने उनको आगे आने के लिए जंग आजादी में कहा और लेकर आए आगे, और वो शहीद हुए। पैदा तो यही वो जमाते हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी तो पैदाइश भी नहीं थी उस वक्त में। पढ़ लो जमात जमीयत उलमा क्या है, पढ़ लीजिए उसको। एक मिनट, जमीयत उलमा को जिसने नहीं पढ़ा वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हो सकता। साजिद रशीदी पढ़िए उसको, इनकी आवाज डाउन करिए पीसीआर, इनकी आवाज डाउन करिए पीसीआर। साजिद रशीदी मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, और ये आखिरी बार आपको कह रहा हूँ। एक तो मेरे सामने बिल्कुल तमीज में रहिए, बदतमीजी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। नंबर एक बात, मेरी पैदाइश पर आप नहीं जाएंगे। नंबर दो बात, वरना आपको जाना है सर, छोड़ छोड़ कर आप जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। मेरी पैदाइश देखने के लिए आपको नहीं बुलाया यहाँ पर। तमीज सीखिए कैसे बातचीत की जाती है। तुम तड़ाक करके मैंने आपसे बातचीत नहीं की, लेकिन आपने तुम तड़ाक किया। मैं आपको आखिरी वार्न देता हूँ, इसके बाद ऐसी भाषा नहीं, तो आप सर चले जाइएगा। फैज खान, यही तौर तरीका सिखाया साजिद रशीदी ने? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बी शराहली सदरी व यसरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राकेश पांडे भैया, ज़रा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो तो आपके हाथों में कॉलर हो आस्तीन नहीं। ये साजिद रशीदी साहब जो कर रहे हैं, इससे पूरे मुस्लिम समाज पर प्रश्न चिन्ह पैदा होता है। किसी की पैदाइश में ना जाए, अपनी पैदाइश देखें, अपना खानदान देखें। आप कह रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों का योगदान था, बिल्कुल था, लेकिन क्या अशफाक उल्ला खान साहब की जयंती आप मनाते हैं? नहीं मनाते हैं। गुलाम गोसाई की मनाते हैं? जयंती मनाने का इस्लाम में है। हवलदार अब्दुल हमीद की मनाते हैं? अरे अनपढ़ आदमी जयंती मनाने का इस्लाम में है। जिन अनपढ़ आदमी जयंती मनाने का है इस्लाम में? मुसलमानों ने मुस्लिम मंच में बैठ गए, मुस्लिम मंच के नेता बन के बैठ गए, पता है नहीं इस्लाम क्या है? आपको पता है इस्लाम में जयंती नहीं मनाई जाती? तमीज से बात कर, पता है तुम्हें? तमीज से बात कर, तमीज से बात कर। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का नाम लेकर मुसलमानों को बदनाम तुम जैसे लोग कर रहे हो। शहीदों की राष्ट्रीय मुस्लिम मंच लेके बैठ गए, आपको पता है राष्ट्र क्या होता है? कुर्बानी की तुम, आपको पता है राष्ट्र क्या होता है? मुस्लिम मंच राष्ट्र में, मुस्लिम मंच ने इस देश के टुकड़े किए थे। चुप बैठो, अपनी बात करो। इस देश के टुकड़े, तुम्हें हक नहीं है जमीयत उलमा पर बोलने का, तुम्हें हक नहीं मेरी बात पर बोलने का। और वो लोग अपना हिस्सा लेके चले गए। निकल पाकिस्तान,
तेरे बाप का है हिंदुस्तान, निकले यहाँ से। तेरे बाप का है हिंदुस्तान, तेरे बाप का है हिंदुस्तान, तेरे बाप का है हिंदुस्तान, तेरे बाप का है हिंदुस्तान। मैं बीच पे आ गया। दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए प्लीज, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए। पीसीआर फैज खान, आप भी अपनी भाषा पर संयम रखिए। पाकिस्तान जाने की बात आप मत करिए, नंबर एक बात। नंबर दो बात, साजिद रशीदी, मैंने पहले भी आपको वार्न किया था सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मैं किसी से कड़े होकर बातचीत करूं, तो सर मुझे मजबूर मत किया करिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे मजबूर मत किया करिए। मैं सहिष्णु हूं, लेकिन मेरी ये कमजोरी नहीं है। मैं सही तो याद रखिए, और नेशनल चैनल पर बैठे हैं, ये तौर तरीका सीख कराते हैं क्या साजिद रशीदी? ऐसे आप अपनी कम्युनिटी को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चलिए मैं